आपण जानिछन्ति कि विश्वर प्रथम वाद्ययंत्र केउंटु सृष्टि होइथिला एवं तार परिचय कौन एवं ताकु नेकी कौन गवेषणा करा जायछि। विशेष करी कि पाराला खेमुंडर इतिहास को मन पकाइले निश्चित भाव बहुत किसी कथा आसुची जहा कि आज अवर्णनीय। तेबे विश्वर वाद्ययंत्र केउंठु सृष्टि होइथिला ताहा आमे निश्चित भाव जड़े व्यक्तित्व आम सहित अच्छा से ही व्यक्ति ठारू प्रतिक्रिया नवा आम सहित अच्छा। संस्कृति परंपरा को अति निकटरू देखुथिबा गवेषणा करुथिबा गवेषक श्रीजुक्त पूर्णचंद्र महापात्र अच्छा आम आलोचना करवा। सर आलोचना को स्वागत करुच्ची। पूर्णचंद्र महापात्र कहले से गोटे शिक्षा अनुष्ठान संस्कृति परंपरार जो वाद्ययंत्र कथा कहुच्छी विश्वर प्रथम वाद्ययंत्र केउठू सृष्टि होता प्रथम प्रतिक्रिया। विश्वर प्रथम वाद्ययंत्र 3500 पूर्वे वर्ष पूर्वे सृष्टि होता विदेश बोली जन जर्मन गवेषक कहते कि तार प्रतिक्रिय कहबी आमर महेंद्रगिरी जो जहाँकि विश्वर सर्वपुरातन मूर्तिका गोंडवाना लैंड अंश ईस्टर्न घाट अंश भाव में सीठी गोटे पथर अच्छी जगन्नाथ युधिष्ठिर मंदिर सामने प्राचीर कराई ताकू आउ गोटे पथर द्वारा आघात कले सांगीतिक शब्दर निष्पन्न होची एवं जेहेतु सीठी संगीत शब्द निष्पन्न होची से पथरु एवं से पथर सर्वपुरातन विश्वर पथर तेणु सेटा ही प्रथम वाद्ययंत्र बोली कहूँ तापर संगीत प्रेमी माने संगीत गवेषक माने गवेषणा करने आवश्यकता रही। महापात्र गोटे मनरे प्रश्न आसूची साधारण लोक हिसाब से जितेबाला आप कहले वाद्ययंत्र सेठू सृष्टि होची तो केते प्राचीन होता ही पारे इमती किसी अनुमान लगे पारे? निश्चय 5000 वर्ष पूर्व एथेर संदेह किसी ना जेहेतु महेंद्रगिरी सर्वप्राचीन स्थान विश्व में गोंडवाना लैंड अंश हिसाब से तेणु सीटा निश्चित भाव से भली प्राचीन से पथर मध्य से भली प्राचीन तो जो गवेषणा करुचंती से भितर किसी पहुँचले कि निर्णायक भूमिका जे नहीं मुझे तो गवेषणा तापर करनी मुझे जानी जी तथ्य मो पाखे अच्छे जी व्यक्तिगत भाव में अनुभव करती से हिसाब से सांगीतिक शब्द बाहर से पथर गुरुत्वपूर्ण गवेषणा हाँ से एंगल रु गवेषणा करा आवश्यक। आउ कौन कौन सब आप जो अनुध्यान करुँच पाला खेमुंडी को लेकिन विशेष भाव देखो मुझे चारिटा बिंदु आलोचना करी आज गोटे अशोक राज्यर राजधानी आमर बड़ खेमुंडी मालर रामगिरी अंचल पुतालीगुड़ा कि तार संकेत आमको मिलूँ बर्तमान मुझे कलिंगर इतिहास लिखला बेले बर्तमान से संकेत मिले ग्रंथ मानक लेखाही। द्वितीय कथा है मुखलिंगम कठे जो अच्छा मधुकेश्वर मंदिर से एक प्राचीन मंदिर नवम शताब्दी से चोड़गंगादेव शासन करुले एवं परवर्ती समय आम पाराला खेमुंडी राजधानी सीठी था। 11वीं शताब्दी सीठी शैव आउ वैष्णव ये दुईटा एक समन्वय होता जगन्नाथ नाम तेणु मुझे जे प्रादात अखंडम महाद्वादश्याम मधुकेश्वरायम जगन्नाथ जगतंगनाथाय या उपरे आलोचना हवार आवश्यकता रही प्रकृति में सीठी प्रथम समन्वय होता कि अनुरोध करेंगे कि सरकार को गवेषणा करेंगे अनुध्यान करेंगे। मुझे तो सरकार को बहुत अनुरोध कले भारत प्रथम स्वाधीनता संग्राम पाराला खेमुंडी प्रमाण भित्तिक तथ्य पुस्तक आकार मुझे पारालार ललाम भारत प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1000 बही बंटा जातीय स्तर में ओडिशा रे समस्त विधायक को दिहाई समस्त एमपी की दिहाई समस्त शिक्षाविद की दिहाई स्तंभकार मान दिहाई सब विशिष्ट लोक मानू मगणारे बही जोगे दिहाई या आलोचना कर बोली विश्वविद्यालय को जोगे देती आशा कर आलोचना करेंगे और मत निमंत्रण कले मुसबी आगू कौन कौन सब आगू कलिंगर पूर्णांग इतिहास लेखा बर्तमान चलती 1000 पृष्ठार इतिहास लेखा हे बर्तमान 200 पृष्ठा लेखाई सारे निहति भाई आम सहित जड़े व्यक्तित्व थिले जे कि पूर्णचंद्र महापात्र सार से गोटी गोटी करी कहते जे दाबी मध्य या करुछंती जे वाद्ययंत्र कथा हेउ ऐतिह्य परंपरा कथा हेउ एथिप्रति सरकार टिके दृष्टि दियंतु एवं अनेक गवेषक अछंती मध्य एठी आसिकी गवेषणा करें अनुध्यान करें सूचक महापात्र सहित आलोचना करें एवं अनेक किसी इतिहास को मन पकाई पारिबा एवं सफलता साउंटी पारिबा। ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय कैमरा पर्सन सत्यंक सहित पीतांबर नाग, अर्गस न्यूज।